दिस आई येलो कलर का। लिटरली मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और इस माइक की बैटरी खत्म हो गई। अब मैं फिर से ये वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का हॉल वीडियो ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज इस हॉल वीडियो में मैं आपको जो भी क्लोथ्स दिखाने वाली हूँ ना, इसमें से एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद नहीं आया। लाइक यूजुअली ऐसा होता है कि अगर अपन पांच कपड़े मंगवा रहे तो उसमें से एक या दो तो अपने को पसंद नहीं आता, बट इस हॉल वीडियो में से एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है कि जो मुझे पसंद नहीं आया, एंड इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है हॉल वीडियो। और आज का हॉल वीडियो होने वाला है फैब एले का। इससे मैंने मंगवाए हैं स्कर्ट्स, टॉप्स एंड एक दो वन पीसेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग दिस वीडियो विद दिस क्यूट वाइट टॉप। ये काफ़ी कैजुअल सा वाइट पेपलम टॉप है। ऑल्सो गाइज, मैं ना यूजुअली एल साइज पहनती हूँ, बट जो भी मैं फेबेले से मंगवाती हूँ, लाइक इधर भी स्कर्ट और टॉप और वन पीसेस, वो सारे एम साइज़ के मंगवाती हूँ। बट मैंने कभी बॉटम्स में ट्राई नहीं किया, लाइक फॉर जॉगर्स एंड ऑल, तो उसमें मेरा क्या साइज होगा आई डोंट नो। बट येस, फॉर टॉप्स एंड एवरीथिंग एल्स आई गो फॉर एम साइज ओनली, बिकॉज इवन इफ यू बाय एनी थिंग, आपको एक साइज डाउन ही ऑर्डर करना है। उसमें क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। सो येस, दिस वाइट टॉप इज ऑल्सो रियली क्यूट। इसका मैं वीडियो फोटोज वगैरह सब पोस्ट कर दूंगी। इसको मैंने ब्लैक जीन्स के साथ पेयर किया था और उसके नीचे पहने थे मैंने वाइट शूज, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था कैजुअल डे आउट के लिए, बहुत अच्छा लगता है। एंड इसकी ये जो स्ट्रिंग्स है ये भी एडजस्टेबल है, लाइक यू कैन एडजस्ट दिस पार्ट। सो गाइज, नेक्स्ट इज दिस वेरी प्रिटी क्यूट एकदम सेक्सी सा स्कर्ट। ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है गाइज, एंड इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीज़ें दिखा रही हूँ उनका सबका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड फैबले के सारे प्रोडक्ट्स का फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाइज। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखाए थे, ऑलमोस्ट 10 to 11 प्रोडक्ट्स दिखाए थे, सबका फैब्रिक बहुत अच्छा था। एंड फॉर द प्राइस वी आर पेइंग, मतलब वो जो फैब्रिक दे रहे हैं ना, वो बहुत ही मतलब पैसा वसूल टाइप से गाइज। सो दिस स्कर्ट इज अमेजिंग। आपको पार्टीज में जाना है या फिर बर्थडेज के लिए चाहिए, खुद के बर्थडे के लिए चाहिए तो भी आप ये पेयर कर सकते हो। डे आउट के लिए भी अगर पेयर करना है तो इसको बैगी टी शर्ट के साथ एंड शूज के साथ पेयर कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा गाइज। मैंने ये इस ब्लैक टॉप के साथ पहना था एंड इसकी वीडियो में पोस्ट करती हूँ, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। बिग थम्स अप फ्रॉम माय ओके। सो साइड। नेक्स्ट इज दिस वेरी प्रिटी सा येलो कलर का वन पीस। ये काफी ज्यादा प्यारा है, इसके स्ट्रिंग्स भी एडजस्टेबल है गाइस। और ये ना मैंने मेरे बर्थडे पे पहना था, इतना मस्त लग रहा था गाइस, इतना मस्त लग रहा था। एंड आई जस्ट गॉट इट फॉर 700 और 750 समथिंग। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बेबी पिंक कलर भी एक है, इसका मैंने लास्ट वीडियो में लिंक डाला हुआ है, इफ यू वॉन्ट टू सी यू कैन सी दैट। और गाइज ये काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर एक येलो कलर की लाइनिंग भी दी हुई है, तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। प्लस इसका ये जो घेर, ये घेर जो भी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेस है गाइज ये। और ये भी मैंने एम साइज में ली थी। फेयर वाले पे ना अभी रिसेंटली ऑर्गेन्जा ड्रेसेस, टॉप्स एंड आई गेस जंपसूट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहे हैं, तो उसमें मैंने मंगवाया एक ये टॉप और एक ये ब्लैक कलर का ड्रेस। तो पहले किसका बताऊँ, आप बताओ फटाफट फटाफट। ओके इसका। ओके सो ये वाला टॉप, इट्स लाइक 100 on 10। दिस इज जस्ट अमेजिंग, मतलब काफ़ी पार्टी वेयर है। आज के जो भी कपड़े मैंने आपको दिखाए वो थोड़े से ऐसे डे आउट के लिए तो काम आ ही जाएंगे, लाइक आप अगर आप कैजुअली पहन रहे तो काम आ ही जाएंगे, बट पार्टीज के लिए और ज़्यादा अच्छे लगेंगे गाइज ये। और ये टॉप भी काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब आपको पार्टीज वार्टीज में पहनना है तो आप इसके नीचे वाइट कलर का स्कॉट या डेनिम स्कॉट या स्कर्ट या शॉर्ट्स या जीन्स कुछ भी पहनोगे बहुत अच्छा लगेगा। दिस टॉप इज अमेजिंग। बस इसका एक ये पार्ट है जो फुल्ली ओपन है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको पूरा स्टिच करवा लूंगी। बट अदर देन दिस, दिस इज रियली अमेजिंग। मैं इसको वीडियो पोस्ट कर दूंगी, आपको भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस। और इसमें एक बेबी पिंक कलर भी है, वो भी बहुत सुंदर है। सो दिस इज डेफिनेटली अ हिट फ्रॉम माई साइड। और ये भी मैंने लिया है एम साइज में। येस, अ बिग थम्स अप, बिग 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 थम्स अप फॉर दिस। कीपिंग द बेस्ट वन फॉर लास्ट, दिस ब्लैक ड्रेस। हाय, दिस ब्लैक ड्रेस इज जस्ट अमेजिंग गाइज। ये भी ऑर्गेन्जा का, एक्चुअली जब ना मैंने इसको ऑर्डर किया ना तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रीजेस थे, मतलब जैसे ये पैक होकर आया था तब, तो मैंने इसको डायरेक्टली पहनकर देख लिया और मुझे वैसे ये अच्छा नहीं लगा। बट फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इसको आयरन करती हूँ और फिर मैं इसको पहनकर देखती हूँ,
तो मुझे ना वेस्ट पे से भी थोड़ा सा लूज था, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक बेल्ट लगा दिया एंड उसके नीचे हील्स पहने। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। प्लस इसका ये जो पार्ट है ना, ये काफी फ्लोई फ्लोई सा है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एकदम ऐसे प्रिंसेस बट ब्लैक कलर में, प्रिंसेस टाइप्स वाइब्स आती है और बहुत अच्छा लगता है। गाइस दिस इज डेफिनेटली अ हिट फ्रॉम माय साइड। ये मैंने गलती से एल में ले लिया, मुझे क्योंकि एम मिला नहीं तो ये से मैंने गलती से एल में ले लिया, बट इट्स ओके, इतना बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है नहीं, तो आई एम कीपिंग दिस एंड दिस इज डेफिनेटली अ हिट फ्रॉम माई साइड गाइज। ऑल्सो इसके अंदर ना एक पर्पल कलर भी है, इफ़ यू लाइक इट आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। दिस इज डेफिनेटली हिट फ्रॉम माई साइड। ओके गाइज, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू मैंशन अबाउट दिस कूपन कोड इन द वीडियो, और मैंने अभी माइक वगैरह सब रख दिया, तो सॉरी अगर आपको पीछे से वॉइस आ रही होगी तो। बट दिस इज 20% का एक्स्ट्रा 20% का कूपन कोड, इसका जो कोड है वो मैं मैंशन कर दूंगी। ये वैलिड सिर्फ 31 मई तक है 2023। सो यस, यूज दिस एंड हैप्पी शॉपिंग। विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज। मुझ पे कौन सी ड्रेस या स्कर्ट टॉप क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। अगर आपको ये हॉल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।